हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों, दास ग्रेड टू का जो एग्ज़ाम है आने वाला है और हो सके तो एक दो दिनों में इसका एडमिट कार्ड आपको डाल दिया जाएगा। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, हिंदी का है, परिभाषित शब्द है जो इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियो आपको हिंदी का डाला है, वो लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट छाट कर ही मैं डाल रहा हूँ। तो और कोशिश करूँगा कि अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी का जो प्रश्न है वो मैं आपको एक जगह कलेक्ट कर आपको डाल दूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का परिभाषित शब्द नहीं है। तो समीर जो है वो रात्रि का परिभाषित शब्द नहीं है। रात्रि का आपको रजनी, विभावरी, निशी होता है। समीर आपको हवा का होता है, पवन का होता है। यह आपको UPPCS 2005 में 15 में पूछा गया था। मिगेंद्र का परिभाषित शब्द कौन सा है? तो मिगेंद्र का होता है शार्दुल। शार्दुल मतलब आपको जो शेर होता है, शेर जो कई बब्बर शेर उसी को कहते हैं, उसी का परिभाषित शब्द आपको शार्दुल है, मिगेंद्र है। और अही आपको हिरन, घोड़ा, कुरंग, ये सब अलग अलग हैं। तो ये आपको मिगेंद्र का परिभाषित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं है? तो देखिए श्रादुर यही, इसमें भी यही आ गया, उसमें भी यही आ गया, तो ये शेर का है। बाजी, तुरंग है, घोटक, ये सब जो है आपको घोड़ा का परिभाषित शब्द आता है। पिछला जो दास हुआ था 40/13 जो था उसमें, उसमें भी आपको घोड़ा का परिभाषित शब्द पूछा था। मीनाक्षी, मीनाक्षी का आपको दुर्गा को मीनाक्षी बोलते हैं। आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्मी हैं वो आप मीनाक्षी उनको नहीं कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों, मैं 10-15 आपको बता रहा हूँ, उसमें आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा। जैसे दुर्गा हो गया, ठीक है, लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गंगा, यमुना, कामदेव, इंद्र, शेर, मछली, तो ये सब जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना, 8-10 ये आप देख कर ही जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे अराइज हो जाता है। ठीक है, कमल का देख लीजिएगा, कमल का आपको वो सब नहीं पूछेगा, राजीव, कमल, पंकज, उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कमल का। तो आप लोग ये जरूर इंपॉर्टेंट है ये सब, और इसी में आपको कन्फ्यूजिंग भी होता है, और ये आपको मैंने अशुद्धियाँ जो करवाई हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट छाड़ कर करवाई थी। तो आप लोग नहीं देखे तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मीनाक्षी आपको दुर्गा कहा जाता है, लक्ष्मी को नहीं कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, कौन सा शब्द नाक का परिभाषित शब्द नहीं है? तो आपको तुरंग, वही मैंने अभी घोड़ा कहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको सर्प उसी को कहा जाता है, विषधर भी कहा जाता है। दैत्य का परिभाषित शब्द आपको कौन सा नहीं है? भूसुर नहीं है। राक्षस, दानव, निशाचर सभी दैत्य का परिभाषित है, लेकिन भूसुर नहीं है। सभी आस्क्ड है, सभी UP में आस्क्ड है, और कई बार आस्क्ड है, ये नहीं एक बार है, कई बार पूछा गया। रुख का परिभाषित शब्द है आपको बिटप। कौन सा शब्द ब्रह्मा का परिभाषित, देखिए ब्रह्मा आ गया। फिर मैंने आपको कहा है कि ये सब जो है, जो भगवान का नदी होता है, या फिर आप नदी का भी कर लीजिए, घोड़ा, शेर, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें से ही एक दो फंस जाता है। कौन सा ब्रह्मा का परिभाषित नहीं है? देखिए ब्रह्मा को आपको कमलासन भी कहते हैं, चतुरानन भी कहते हैं, चतुर्मुख भी कहते हैं, चतुर्भुज नहीं कहा जाता, ये बस ध्यान दीजिएगा। चतुर्भुज इनको नहीं कहा जाता है, चतुर्भुज आपको विष्णु को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिभाषी में हर एग्जाम में आपको एक पूछता है, कौन सा शब्द भ्रमर का परिभाषी नहीं है? तो आपको इसमें सलभ होगा, श्रीमुख कहा जाता है, चंचरी कहा जाता है, मिलिंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मधुमक्खी, भ्रमर, भौंरा, ये सब जो इसको कहा जाता है। इंद्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिवाची नहीं है, गणाधीप नहीं है, पुरंदर, शक, मधव, सब आपको इंद्र कहा जाता है, लेकिन गणाधीप आपको इंद्र नहीं है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ आपको ब्रह्मा को कहा जाता है, देखिए ये फिर आ गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश नहीं, विष्णु, महेश आपको विष्णु, विष्णु का जो है उनका है, महेश शिव जी, गणेश जी अलग। कौन सा शब्द दास के परिवाची नहीं है? अनुचर आपको है, भृत्य है, सेवक है, परिकर नहीं है, परिचायक है, परिचायक आपको दास के प्रवाची होता है, परिकर नहीं होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, जो एक शब्द सेम होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, समानाभास मत कीजिएगा, समानार्थी होता है। यमुना का प्रवाची आपको कौन सा है? देखिए कालिंदी, यहाँ भी यमुना आपको आ गया, देखिए कालिंदी आपको यमुना का, कालिंदिनी आपको गंगा हो गया, भागीरथी, यमुनी, ये सिर्फ गंगा हो गया, नदी के इस पर कहा जाता है, लेकिन कालिंदी जो है आपको यमुना का, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन सा शब्द निश्चित का परिभाषित शब्द नहीं है? तम जो है वो निश्चित का परिभाषित शब्द नहीं है। सूर्य, मार्तंड,
देखिए रोशनी का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। भास्वर लिखा हुआ है, भास्कर होता है सूर्य का, ठीक है, तेज सूर्य का नहीं होता है। और निम्नलिखित कौन सा शब्द अरविंद का परिवार, देखिए कमल का ही आपको कहा जाता है, अरविंद, पंकज, राजीव, ये सब, तो देखिए नहीं है, मिलिंद नहीं है, जलज आपको उसी को कमल कहा जाता है, पंकज भी कहा जाता है, अंबुज भी कहा जाता है, अरविंद भी कहा जाता है, राजीव भी कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और भी मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा जो भी दास DSSB में एग्जाम हुआ है वो सब हिंदी आपको एक जगह लाकर दे दूं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप लोग रट लीजिएगा, इसके पहले मैंने आपको प्रवाची का एक सेट बनाया है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।